हाउ टू फिक्स ओटीपी नॉट रिसीविंग प्रॉब्लम इन एयरटेल सिम। स्वागत है दोस्तों आप सभी को टेकराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप अपने सिम कार्ड पे ओटीपी रिसीव्ड नहीं कर रहे हो, आपके मोबाइल में ओटीपी बिल्कुल नहीं आ रहा है, चाहे वो दोस्तों हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे किसी भी चीज़ पे आप जो है अकाउंट क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे ओटीपी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है आपके सिम में, तो कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों बेसिकली हमारे मोबाइल में दो सेटिंग गड़बड़ होने की वजह से हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, और एक मेजर सेटिंग रहेगा जो कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद में एकदम नीचे आना है और आपको जाना है ऐप मैनेजमेंट पे, या फिर हो सकता है कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड ऐप्स के नाम से शो करे, ठीक है। बेसिकली आपको एप्लीकेशन पर जाना होता है, उसके बाद यहाँ पर आपको सिस्टम ऐप सेलेक्ट कर लीजिए या फिर ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिए या फिर यहाँ पर आपको मोबाइल ऐप्स आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको ढूंढना है मैसेजेस आपको ढूंढना है, यहाँ पे मैसेजेस आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए या फिर मैसेजिंग के नाम से आपको शो होगा। आपको सिंपली परमिशन पे जाना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका ये जो मैसेज है एसएमएस ये एनेबल है कि नहीं, इसे आपको ऑन रखना है, ठीक है। यदि ऑलरेडी ऑन है तब इसे आप ऑफ कर दीजिएगा और दोबारा से ऑन कर लीजिए, और यह सारा परमिशन को आपको अलाउ करना है। उसके बाद आपको जाना है अपने मोबाइल का मैसेजेस पे। मैसेजेस पे जाने के बाद में टॉप राइट कॉर्नर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है एंटी हैरेसमेंट या फिर ब्लॉक के नाम से आपको शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक मैसेजेस दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे ब्लॉक मैसेजेस फ्रॉम अननोन नंबर को आपको इनेबल करना है, ऑफ कर देना है, ठीक है। यदि ये ऑन रहेगा तब आपको ओटीपी नहीं आएगा, क्योंकि ओटीपी लगभग अननोन नंबर से ही आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे आपको बंद कर देना है, ठीक है, या आपको ऑफ रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में आप ट्राई कीजिए, आप जो कर रहे थे आपको ओटीपी रिसीव्ड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये दो सेटिंग्स करने के बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। और यदि दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी क्या होता है कि आप यदि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो और वो एप्लीकेशन से आपको ओटीपी नहीं आ रहा है आपके सिम कार्ड में, तब ये हो सकता है, जैसे कि देखिए आप कोई भी अकाउंट व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और आपका सिम कार्ड में ओटीपी नहीं आ रहा है, तब आप वैसा ही कीजिए, ऐप मैनेजमेंट में चले जाइए या फिर इंस्टॉल्ड ऐप्स पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वही एप्लीकेशन ढूंढना है जिस एप्लीकेशन पर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो और वहाँ पर आपको नहीं आ रहा है। सपोज समझ लीजिए कि मैं जो है व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे कुछ भी अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको परमिशन पे जाना है और आपको यहाँ पे एसएमएस जो दिखाई दे रहा है ये आपको अलाउ करना है, ठीक है। या आप यदि अलाउ करोगे तब व्हाट्सअप के रिगार्डिंग आप कुछ भी प्रॉब्लम, आपको ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको ओटीपी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनकेस यदि आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ओटीपी नहीं आ रहा है तो ये आपको करना है। तो ये था तीन सॉल्यूशन। और दोस्तों देखिए, ये सब करने के बाद में भी यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओटीपी आपको रिसीव्ड होना चाहिए, यदि फिर भी आपको ओटीपी रिसीव्ड नहीं हो रहा है, तब देखिए कभी कभी कंपनी के तरफ से आपको एसएमएस सर्विसेज डिसेबल कर दिया गया होगा, इस वजह से भी आपको नहीं आ सकता है। तो एक बार आप जो है अपना टूल फ्री नंबर पे, कस्टमर केयर का टूल फ्री नंबर पे कॉल करके एक बार आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपको ओटीपी नहीं हो रहा है, ठीक है, कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों जितना सॉल्यूशन था मैंने आपको बता दिया है, ये सब करने के बाद में डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।